ज्योतिषमय कामयाब रहेंगे। आपके घर आज किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, सनातन और संस्कारों और परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन आपकी कोई प्रिय वस्तु आज खो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। रक्त संबंधित रिश्तों में आप कोई सलाह बिना मांगे ना दें। आप अपने से ज्यादा औरों के कामों पर ध्यान लगाएंगे, जिससे आपके काफी काम लटक भी सकते हैं। तो विद्यार्थियों को इधर उधर के कामों को छोड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा। तो ये था मेष राशि वालों का राशिफल। अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का राशिफल कि आज का इनका दैनिक जो दिनचर्या वो कैसी रहने वाली है। तो आज का इनका दिन बताता है कि आपके लिए सुख समृद्धि बढ़ाने वाला आज का दिन रहेगा। आपको वाणी की सौम्यता को बनाए रखना होगा। आपको कोई बड़े लक्ष्य पर पूरा फोकस रहेगा। रचनात्मक विषयों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा आज, और श्रेष्ठ कामों में आज आप गति आएंगे। तो आपके करीबियों का साथ और सहयोग आप पर बना रहेगा। आपकी साख व सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन आप किसी काम को लेकर यदि लंबे समय से परेशान चल रहे हैं तो वह काम आज पूरा हो सकता है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। तो ये वृषभ राशि वालों का राशिफल था। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का राशिफल कि इन जातकों के लिए आज सितारे क्या बताते हैं, किस तरह के योग संयोग इनकी राशि में आज बन रहे हैं और आज की इनकी दिनचर्या क्या कुछ रहने वाली है। तो बता दें कि आज इनके सितारे बताते हैं कि आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा, और यदि आपने किसी निवेश को करने का मन बनाया है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। आप अपने आवश्यक कार्य को लेकर अपने किसी परिजन से बातचीत करेंगे और आप अपने करीबियों का भरोसा भी आसानी से आज जीत पाएंगे। औद्योगिक योजनाओं को गति मिलेगी। आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी तो वह आपको प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, और जो आपकी खुशी का कारण भी आज बनेगा। तो ये था मिथुन राशि वालों का राशिफल। अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का राशिफल, इन जातकों के लिए आज के सितारे क्या बताते हैं। तो आज का दिन इनका कहता है कि आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करना आज अच्छा होगा। आप किसी बड़े लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे और महत्वपूर्ण विषयों में गति आ जाएगी। तो आर्थिक मामलों में आप सहजता से आगे बढ़ेंगे, नहीं तो समस्या हो सकती है। संतान से आपको किसी के किए हुए वादे को पूरा करेंगे आज आप, जिससे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो जीवन साथी का सहयोग आज आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। लेन देन से संबंधित मामलों में आपको अपनी आंख व कान खुले रखने होंगे, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। तो विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक रूप से छुटकारा मिलता दिख रहा है। तो सिंह राशि की बात कर लेते हैं। आज का इनका राशिफल बताता है कि आपके लिए सामाजिक कार्य से जुड़कर काम कमाने के लिए आज का ये दिन रहेगा। तो आज आप नाम कमा सकते हैं अपने काम से, और आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें तो आपके लिए बेहतर आज रहेगा। आपसे साहस पराक्रम में वृद्धि होगी और आप अपनी आय को बढ़ाने की कोशिश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो नौकरी में कार्यरत लोग यदि किसी पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बना रहे थे तो उनकी वह इच्छा भी आज पूरी हो सकती है। तो कार्य क्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार काम मिलेगा। आपको लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने होगा और खरा उतरेंगे आज आप। और विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें कोई ऑफर हाथ लग सकता है। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन्हें भी आज एक अवसर प्राप्त हो सकता है। और सिंह राशि के बाद अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की कि इन जातकों के लिए आज का दिन क्या कहता है, किस तरह के योग संयोग आज इनकी राशि में बन रहे हैं और क्या कुछ आज इनकी दिनचर्या रहने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं आज का दिन कहता है कन्या राशि वालों के लिए कि आपके लिए किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के लिए आज योग बन रहे हैं। आपको किसी बड़े लक्ष्य को आसानी से पूरा आज करना होगा। भाग्य का साथ आपको आज पूरा पूरा मिलेगा। आपके मन की इच्छा की पूर्ति होने से आप अपने घर किसी पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। आपका भाई बहनों से यदि कोई विवाद चल रहा था तो वह विवाद भी आज बातचीत के जरिए समाप्त हो सकता है। आप वरिष्ठ सदस्यों से किसी काम को लेकर सलाह मशवरा कर सकते हैं जो आपके बहुत काम आएगा। आप यदि किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हों
तो उसमें अपनी बात लोगों के सामने अवश्य रखें, इससे आज आपको फायदा भी मिलेगा। तो कन्या राशि वालों का राशिफल था और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का राशिफल कि आज की इनकी दिनचर्या कैसी रहने वाली और आज का इनका दैनिक राशिफल क्या कहता है, किस तरह के सितारे आज इनके बताते हैं। तो आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमजोर रहने वाला है। आप अपने लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने की कोशिश में लगे रहेंगे जिससे आपको समस्या होगी और किसी विपरीत परिस्थिति में आपको धैर्य बनाए रखना होगा। आप व्यवसाय में किसी अजनबी पर भरोसा न करें और आप अपनी परंपराओं को आज अच्छे से निभाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है जिससे उनकी छवि और निखरेगी। आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना भी आज बना सकते हैं। तो ये था तुला राशि वालों का राशिफल और अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का राशिफल कि इनके सितारे आज क्या बता रहे हैं, आज का इनका दिन कैसा रहने वाला है। तो आज इनके सितारे बताते हैं कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए आज आपका ये दिन काफी खास रहेगा। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी, लेकिन आप कोई निर्णय जल्दबाजी में ना लें, नहीं तो इससे बाद में आपको समस्या भी खड़ी हो सकती है। किसी नए काम की पहल करना आपको नुकसान दे सकता है। आप सभी के साथ आदर व सम्मान बनाए रखें। मित्रों के साथ संबंधों में घनिष्ठता और व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलने से उनकी खुशी का ठिकाना आज नहीं रहेगा। तो माता पिता की सेवा में आप दिन का कुछ समय व्यतीत करेंगे। अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या कह रहा है आज का दिन, इनके सितारे क्या बता रहे हैं, कैसा रहेगा इनका आज का दैनिक राशिफल। तो बता दें कि आज का दिन आपके लिए मेहनत और काम करने के लिए रहेगा। आज आप दिन भर मेहनत और काम करते रहेंगे। आप बाहरी लोगों की बातों में आ सकते हैं, तो इससे सावधान रहें क्योंकि अगर आप बाहरी लोगों की बातों में आते हैं जिसके चलते आपको कोई नुकसान भी हो सकता है। तो आवश्यक कामों में आप बिल्कुल ढील ना दें। आप अपने अधिकारियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, लेकिन संतान से आपकी किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। आप किसी को धन उधार न दें, नहीं तो इससे आपके आपसी रिश्तों में भी दरार पैदा हो सकती है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपके घर मेल मिलाप करने आ सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन भी आज मिल सकता है। तो ये था धनु राशि वालों का राशिफल। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का राशिफल कि इनकी दैनिक दिनचर्या आज कैसी रहेगी, किस तरह के योग संयोग आज बन रहे हैं, तो चलिए जान लेते हैं। तो आज इनके सितारे बताते हैं कि आज का दिन इनके लिए लेन देन के मामले में सावधानी बनाए रखने वाला होगा। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपका कोई लक्ष्य यदि लंबे समय से रुका हुआ है तो वह भी आज पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी किसी खेल प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं जिसमें उन्हें जीत अवश्य मिलेगी। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। आप किसी से कोई वादा या कोई वचन ना करें और कार्य क्षेत्र में आपको अपने जूनियर से किसी काम को लेकर मदद लेनी पड़ सकती है, तभी आपका कोई काम आज पूरा होगा। मकर राशि के बाद अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या कहते हैं आज के सितारे, किस तरह के योग संयोग आज कुंभ राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं, कैसे आज की इनकी दिनचर्या रहेगी। तो जल्दी से जान लेते हैं आज का इनका दैनिक राशिफल। आज इनके सितारे बताते हैं कि आज का दिन आपके लिए एक से अधिक स्रोतों से आय दिलाने वाला होगा। तो कई ऐसे स्रोत आज आपके बनेंगे जहां से आज आपको आय की प्राप्ति होगी। आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, लेकिन आपको किसी बात को लेकर जिद और अहंकार नहीं दिखाना है, नहीं तो इससे समस्या हो सकती है। मित्रों के साथ आपका विश्वास और बढ़ेगा जिससे आप अपने कामों में अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों के सहयोग से आज आप अपने कामों में और आगे बढ़ सकते हैं। सुख सुविधाओं पर पूरा ध्यान आज आप देंगे। उनकी खरीदारी में भी आपको कोई असर नहीं छोड़ेंगे। तो जीवन साथी आपसे किसी वस्तु के लिए जिद कर सकती है जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ किसी कोर्स के प्रति भी रुचि जागृत हो सकती है। अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या कह रहा है आज का दिन,
इन जातकों के लिए क्या बताते हैं आज सितारे। तो बता दें कि मीन राशि के जातकों के लिए आज के सितारे बताते हैं कि आज का दिन इन राशि वालों के लिए सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करेंगे और अपनी बुद्धि व विवेक से काम पूरा करके लोगों की आंखों का तारा आजाब बनेंगे। आप अपनी सोच व समझ से काम लें और किसी दूसरे से सलाह मशवरा ना करें। आर्थिक मामलों में यदि आपको कोई प्रस्ताव आए तो उसे बहुत ही सोच विचार कर आगे बढ़ें। वाणिज्यिक विषयों में आपके प्रयास अच्छे रहेंगे। यदि आपका कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है तो वो काम भी आज पूरा हो सकता है। तो ये था 12 राशि के जातकों के लिए आज का राशिफल कि आज के उनके क्या कुछ सितारे हैं और किस तरह आज उनकी दिन भर की दिनचर्या रहने वाली है। चलिए और अब आपको दर्शन करा देते हैं श्री सोमनाथ मंदिर के।